इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रताप करोसिया अध्यक्ष बनाए गए हैं राज्य सफाई आयोग के। युवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, डॉक्टर निशांत खरे एमपी युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। युवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, तो ये दो नियुक्ति, राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम ऑनलाइन पर हैं। नीलम, क्या ये दो नियुक्तियां हुई हैं और दोनों ही नाम प्रताप करोसिया और साथ ही युवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, क्या जानकारी? जी देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश युवा आयोग की बात करें तो जो डॉक्टर निशांत खरे हैं उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर निशांत खरे का नाम तब सामने आया था जब इंदौर में महापौर प्रत्याशियों के नाम की जो है दौड़ चल रही थी। मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, पेशे से डॉक्टर है, और इंदौर में जब प्रत्याशियों के नाम की बात आई थी तो जो रेस थी उसमें सबसे पहला नाम जो डॉक्टर निशांत खरे का ही सामने आया था। ये मुख्यमंत्री के साथ साथ जो संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की, तो यहाँ पर भी जो है प्रताप करोसिया की नियुक्ति की गई है अध्यक्ष के तौर पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है प्रताप करोसिया। इसके अलावा वाल्मीकि समाज का भी जो है बड़ा नाम है, तो इस नियुक्ति के जरिए कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर है सरकार की जो एससी वर्ग है, वाल्मीकि समाज का जो वर्ग है, उनको साधने के लिए यहाँ पर प्रताप करोसिया को जो है सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वही संघ की पसंद और मुख्यमंत्री की करीबी डॉक्टर निशांत खरे जो है मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नीलम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नियुक्तियां हुई हैं।